खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने देश की अर्थव्यवस्था पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार सच्चाई का सामना करने से भाग रही है। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। देश की 6,30,00,000 एमएसएमई की इकाइयों में से 1/4 इकाइयां काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार डिफॉल्टर हो गई है। केंद्र सरकार ही डिफॉल्टर हो गई है। प्रांतीय सरकारों का जीएसटी कंपनसेशन का पैसा देने तक से इनकार कर दिया और ये सीधे सीधे संघीय ढांचे पर आक्रमण है, वे आर्थिक अराजकता है। 73 साल में पहली बार केंद्र सरकार घोषित रूप से डिफॉल्टर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें चौंकाने वाली बात यह कही गई है कि 2020-21 में जीडीपी -10.9% या लगभग 11% गिरने वाली है। अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा, ये देश का लीड बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है। और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर दिलचस्प तरीके से हमला बोला है। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही पुराना ट्वीट शेयर किया और इस ट्वीट के जरिए ही उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने 30 नवंबर 2013 को किए गए इस ट्वीट में तत्कालीन मनमोहन सरकार में वित्त मंत्री पी चिदंबरम को राजनीति छोड़कर अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने की सलाह दी थी। इस पर चिदंबरम ने कहा कि वो भी पीएम मोदी से यही कहना चाहते हैं। चिदंबरम की ओर से शेयर किए गए इस ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा था, अर्थव्यवस्था मुश्किल में है, युवाओं को नौकरी चाहिए, राजनीति करने के बजाय अर्थव्यवस्था को देखिए। चिदंबरम जी, जिस काम की जिम्मेदारी है उस पर ध्यान दीजिए, ये ट्वीट किया था उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। इस पर चिदंबरम ने अपने ट्वीट में लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे भी आपसे यही कहना है। तो 2013 के ट्वीट को लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।